दिल्ली से अगवा हुई एक लड़की जब 10 साल बाद अपने घर लौटी और उसने अपनी आप बीती सुनाई तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई। यकीन मानिए, आप भी इस लड़की की दास्तान सुनकर हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। आपने ऐसे मुजरिमों के बारे में सुना भी होगा पर शायद यकीन नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस लड़की की दास्तान सुनिए जिसने जीते जी नर्क झेला। दिसंबर 2006 निठारी कांड से दहला देश, कई बच्चियों की हड्डियों से फैली दहशत। न जाने कितने ही माँ बाप अपनी बच्चियों की हड्डियों की आस में वहां पहुंचे थे। उन्हीं में शामिल थी दिल्ली की ये माँ जिसकी 12 साल की बेटी जुलाई 2006 से गायब। पता नहीं कितने ही माँ बाप को वहां मौजूद हड्डियों में अपने खोए हुए बच्चे मिले। लेकिन इस माँ को बच्ची की मौत का सब्र भी नहीं मिल पाया क्योंकि इसे उन हड्डियों में अपनी बेटी की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। मेरी पुलिस ने आज तक तो कोई हेल्प नहीं करी और मैं भागती रही। मैंने कोई ऐसी जगह ना छोड़ी दुनिया की जहाँ बम्बई, मुरादाबाद, अलीगढ़, अनाथ आश्रम और रिठारी कांड में मैं 2 महीने तो जंतर मंतर पे पड़ी रही। रिठारी कांड बराबर में जितने दिन वहाँ पे धरना चलता रहा मैं बराबर वहाँ जाकर अपनी बेटी को खोजती रही। साल 2006 12 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट। साल 2008 दिल्ली पुलिस ने मामले को बंद किया। 25 जुलाई 2016 वो लड़की लौट आई। मुझे अम्बाला में भेज दिया उन लोगों ने। एक कमरा था उसमें बहुत सारी लड़कियां थी तो वहाँ पे अम्बाला से मुझे गुजरात में भेज दिया। गुजरात वाले बहुत कुछ करते थे मेरे साथ, चाकू वाकू मारे हुए हैं पूरे यहाँ पे हाथों में, यहाँ पे भी मारा हुआ है पूरे हाथों में, टॉर्चर करते थे, बिजली के शॉट लगाते थे। अपने हाथ और पैरों पर चाकू के निशान दिखाती यही वो दुखियारी है जो 10 साल पहले दिल्ली की सड़क से गायब हो गई। 10 साल पहले यानी 13 जुलाई 2006 को ये लड़की अपनी बहन के पास सीलमपुर इलाके में जा रही थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने 12 साल की इस लड़की को सरे राह अगवा कर लिया। लड़की के घर वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई करते हुए लड़की की किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश का ड्रामा भी किया। लेकिन घर वालों ने उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। ये तो यही इसने बताया कि अभी मेरे को वहां से जनता कॉलोनी से उठाया। उससे पहले मैंने कोई ऐसी जगह ना छोड़ी थी जहां मैंने अपनी बच्ची को ढूंढा नहीं था, जहां मैंने कंप्लेंट नहीं लगाई थी। सिर्फ मेरी एक पुलिस ने मेरे साथ गद्दारी इतनी बड़ी करी। पिछले 10 साल से बेटी की खबर के लिए तरस रहे इस परिवार की आंखों को 25 जुलाई को बेटी तो वापस मिल गई लेकिन उसके ऊपर हुए जुल्मों की दास्तान सुनकर हर किसी का दिल खून के आंसू रो रहा है। लड़की ने जो आप बीती पुलिस और परिवार को बताई उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगवा किए जाने की घटना को याद कर लड़की बताती है कि सड़क से अगवा करने के बाद उसे नशे का इंजेक्शन दिया गया और जब आंखें खुली तो वो पंजाब के अम्बाला के एक घर में थी। वहां पहले से कई बच्चियां मौजूद थी। लड़की के मुताबिक उन बच्चियों ने बताया कि वहां लड़कियों को बेचा जाता था और उसकी भी बारी आने वाली है। पीड़ित लड़की के मुताबिक होश में आने के कुछ घंटे बाद उसे दोबारा इंजेक्शन लगाया गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो गुजरात पहुंच चुकी थी। गुजरात में एक फैक्ट्री नुमा घर में उसे रखा गया जहां दिन में उससे घर का काम कराया जाता था और रात में उसके साथ बलात्कार किया जाता था। लड़की के मुताबिक कुछ महीनों तक वहां रहने के बाद उन लोगों ने किसी दूसरे शख्स के हाथों उसका सौदा कर दिया। उसके बाद उसे 8 बार अलग अलग हाथों में बेचा गया। इसी बीच हर रोज उसके जिस्म को नोचा गया, उसकी आत्मा को खसोटा गया। बलात्कार के साथ साथ उसे मारा पीटा भी जाता था और कई बार सिगरेट से भी जलाया जाता था। 10-12 लड़कियां थी, पूरा कमरा भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लड़कियां भी थी, छोटी छोटी भी थी, बच्चे वाले भी थे, बच्चे भी थे छोटे छोटे से। तो फिर वहां से आपको गुजरात भेज दिया गया? हाँ, वहां से गुजरात में भेज दिया। गुजरात वालों ने काम भी करवाया, खेतों में मेरे साथ गलत काम भी किया। फिर उन्होंने मुझे जब थोड़ी सी बड़ी होने लग गई तो वो पंजाब में आके भेज दिया उन्होंने।
लड़की के मुताबिक आठवीं बार उसे पंजाब के कुछ लोगों ने खरीदा और परिवार के करीब 65 साल के एक नशेड़ी बुजुर्ग के साथ उसकी शादी करा दी गई। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई। इस शादी से लड़की को 2 बच्चे भी हुए, लेकिन पति की मौत के बाद उसे हर रोज बलात्कार का शिकार बनाया जाने लगा। लेकिन जुल्म सहते सहते थक गई तो उसने आवाज बुलंद कर दी, जिसके बाद उसके दोनों बच्चों को छीनकर उसे घर से भगा दिया गया। लड़की के मुताबिक वहां से भगाए जाने के बाद एक इवेंट कंपनी में काम करने वाली लड़की से वो टकराई, जिसके बाद उसके परिवार की तलाश शुरू हुई। पीड़ित को सिर्फ इतना याद है कि वो दिल्ली के खजूरी इलाके में जनता प्लाट में रहती थी और घर के पास मेला लगा करता था। इवेंट कंपनी में काम करने वाली वो लड़की पीड़ित लड़की को लेकर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पहुंची और कई दिन की खोजबीन के बाद उसका घर मिल गया। आखिरकार 25 जुलाई को वो अपने घर लौट आई, लेकिन अपने साथ दर्द की जो कहानी लाई है उसने पूरे परिवार पर गम का पहाड़ तोड़ दिया है। वापस लौटने के बाद उसके परिवार ने पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाकर सारी आपबीती बताई तो अधिकारियों ने जांच शुरू कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। 2006 में हमने एक किडनैपिंग का एफआईआर दर्ज किया था, जो कि पहले थाने में इन्वेस्टिगेट हुआ, फिर डीआईजी में इन्वेस्टिगेट हुआ, 2008 में अनट्रेस हो गया था। अभी बच्ची अभी आई है, इसका हम पूरी लीगल हेल्प करेंगे, उस केस को रीओपन करेंगे, इसका मेडिकल वगैरह करा के सारी हेल्प इसमें करेंगे। ये अभी आई है, अभी हमारी आज ही नॉलेज में आया है, इसका पूरा मेडिकल करा रहे हैं, जो सारा बैंक सब कराएंगे, पूरी लीगल हेल्प करेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया है, लेकिन उसका कहना है कि लड़की का मेडिकल कराने और उसके बयान के आधार पर वो किडनैपिंग के पुराने मामले में बलात्कार की धाराएं भी लगाएगी और कार्रवाई भी करेगी। लेकिन ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली है कि किस तरह एक नाबालिग बच्ची को देश की राजधानी में भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगवा कर बेचा जाता रहा और 10 साल तक पुलिस को उसकी खबर तक नहीं लग पाती। मोबिन खान, दिल्ली, IBN 7।